हेलो दोस्तों, आज के समय में अनेक महिलाएं वकील हैं और उनकी दलीलों के सामने अच्छे अच्छे वकील पानी भरते नजर आते हैं, मगर ये वकालत को अपना पेशा अभी नहीं बना पाती। अगर एक महिला ने सालों पहले अपने हक के लिए लड़ाई न लड़ी होती। हम आपको बता दें कि देश की पहली महिला वकील की जिसने वकालत की पढ़ाई की थी, देश ही नहीं विदेश में भी संघर्ष किया था। अगर वो हार मान लेती तो शायद कोई भी महिला जल्दी वकालत करने के बारे में भी नहीं सोचती। आइए हम जानते हैं उस महिला की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। उस महिला का नाम था कॉर्नेलिया सोराबजी। भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में नासिक में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी माता फ्रांसिना फोर्ड महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थी। उन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल भी खोला था। यही से कॉर्नेलिया सोराबजी को भविष्य में कुछ करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हासिल की। इसके बाद पुणे के डेक्कन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। यहां से वो फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हुई। उनके पिता ने हमेशा अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। कॉर्नेलिया सोराबजी और उनकी बहन ने कई बार दाखिले के लिए अर्जी भी भेजी, लेकिन हर बार उसे नकार दिया जाता क्योंकि तब महिलाओं को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। काफी संघर्ष के बाद उन्हें दाखिला मिल ही गया। 16 साल की उम्र में कॉर्नेलिया सोराबजी ने यहां से मैट्रिकुलेशन किया। यहां पर भी साथी छात्र उन्हें पढ़ने नहीं देते थे। उन्होंने तमाम मुश्किलों का डटकर सामना किया और मन लगाकर पढ़ना जारी रखा। 6 साल बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में टॉप करके सबको चकित कर दिया। कॉर्नेलिया सोराबजी को उम्मीद थी कि अब उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई कर पाएगी, लेकिन उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। टॉप रैंक हासिल करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। तब पुणे के कुछ रसूखदार और शिक्षित अंग्रेजी महिलाओं ने उनकी मदद की। उन्होंने पैसों का इंतजाम कर 1889 में उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड के सोमरविलेज कॉलेज में करवा दिया। यहाँ भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ने उन्हें लॉ नहीं बल्कि साहित्य की पढ़ाई करने की अनुमति दी। उनके जुनून और मेहनत को देखते हुए अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा और लॉ स्कूल में उनका दाखिला हो गया। 1892 में वो बैचलर ऑफ सिविल लॉज की परीक्षा पास कर वकील बनने वाली पहली महिला बनी। वो ब्रिटेन की पहली महिला वकील थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री देने से मना कर दिया क्योंकि तब किसी महिला को वकील के रूप में खुद को रजिस्टर करने का नियम नहीं था। इसके बाद कॉर्नेलिया सोराबजी भारत में प्रैक्टिस करने के इरादे से स्वदेश लौट आई। यहाँ भी नई मुसीबतें उनका इंतजार कर रही थी। देश में भी उनको वकालत करने का मौका नहीं दिया गया। तब भारत में पर्दा प्रथा लागू थी और राजा महाराजा अपने घरों की महिलाओं के अधिकारों का हनन करते थे। कॉर्नेलिया सोराबजी ने महिलाओं के हक के लिए खड़े होने की ठानी। वो पुरुषों के षड्यंत्र के शिकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ने लगी। वो उन्हें कई प्रकार के वाद विवादों में कानूनी सलाह देने लगी। इसी बीच उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री भी ले ली। 1924 में जब महिलाओं को वकालत करने की इजाजत मिली तो वो भारत की पहली महिला बैलिस्टर बनी। कॉर्नेलिया सोराबजी के जोर संघर्ष की वजह से ही ब्रिटेन और भारत में महिलाओं के लिए वकालत करने का रास्ता खुला था। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।